Good morning students I am Dr Shravni Mukherjee, lecturer in botany marwadi college students in my previous lecture we have already discussed about the first member of plant kingdom that is algae today we will see that what is the economic importance of algae and the classification of algae दिस इज चैप्टर थ्री प्लांट किंगडम एंड लेक्चर फाइव तो स्टूडेंट्स इसके पहले हमने प्लांट किंगडम का पहला मेंबर अलगी के बारे में पढ़ा है उसका जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमने पढ़ लिया रिप्रोडक्शन भी पढ़ लिया अब हम लोग आज पढ़ेंगे अलगी का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या होता है इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि हमारे डे टू डे लाइफ में अलगी का फंक्शन क्या है क्या हम लोग इसको फूड की तरह इंटेक करते हैं क्या हम लोग इससे दवाई बनाते हैं ये सारे यूजेज अलगी का यही इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस कहलाता है नाउ algae are important and useful to man in many ways number 1 play a very important role in fixing co2 by photosynthesis being photosynthetic they also increase o2 level of aquatic bodies they are most important as primary producers विथ एनर्जी गिविंग कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड चेन इन ए एक्वटिक बॉडी तो स्टूडेंट पहला अगर हम लोग ले अलगी का यूज तो ये क्या करता है कि एनवायरमेंट में जो सीओ टू है उसको फोटो सिंथेसिस के थ्रू ये फिक्स कर देता है और ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा देता है फिर जब ये एक्वाटिक एनवायरनमेंट में रहता है तो ओ टू लेवल के बढ़ने से वहाँ पर एक्वाटिक बॉडीज को फायदा होता है ऑक्सीजन फ्री मिल जाता है उसके बाद है कि जब ये कहीं भी एज ए ग्रीन वेजिटेशन रहता है तो ये प्राइमरी प्रोड्यूसर की तरह काम करता है और प्राइमरी प्रोड्यूसर मतलब इसको खाने के बाद जो दूसरे एनिमल होते हैं वो इसके इसको फूड की तरह लेते हैं और ये प्राइमरी प्रोड्यूसर कहलाता है ये कहाँ पर एक्वाटिक बॉडी में छोटे छोटे मछली हैं छोटे छोटे दूसरे इंसेक्ट्स हैं जो इसको खाते हैं तो ये प्राइमरी प्रोड्यूसर कहलाता है अलगी एज ए फूड नंबर फोर मैराइन अलगी यूज एज फूड इन फूड इसमें एग्जाम्पल दीजिएगा आप लेमिनेरिया सरगसम एट्सेट्रा मैराइन अलगी प्रोड्यूस्ड हाइड्रोक्लोराइड्स वाटर होल्डिंग सब्सटांसेस हाइड्रोकोलाइड्स अलगीन ब्राउन अलगी कैराजीन रेड अलगी आर यूज कमर्शियली तो जो कोलाइडल सब्सटेंस है ये भी मिलता है अलगी से जिसको हम लोग मैराइन अलगी से मिलता है नंबर सिक्स अगर कॉमर्शियली यूज प्रोडक्ट कम्स फ्रॉम जिलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया अगर का यूज़ क्या होता है कि आइसक्रीम में और जेडी में इसको यूज़ किया जाता है और दूसरा यूज़ है मीडियम मेकिंग इन लैब्स फॉर माइक्रोब्स तो अगर को हम लोग कॉमर्शियली प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि इसका लार्ज स्केल में यूज़ होता है आइसक्रीम फैक्ट्री में यूज़ होता है और दूसरे जैसे लैब में जब आप बैक्टीरियल मीडियम बनाएंगे बैक्टीरिया को मीडियम में ग्रो करने के लिए तब ये यूज़ हो जाएगा उसका मीडियम बनाने में ठीक है सेवन क्लोरेला एंड स्पाइ स्पायरुलना यूनिशेलुलर अल्गी रिच इन प्रोटीन्स यूज एज फूड सप्लीमेंट स्पाइस स्पेस ट्रैवलर स्टूडेंट स्पायरोना और क्लोरेला ये बहुत ज़्यादा प्रोटीन को देता है तो प्रोटीन हमारे फूड में एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है आप जानते हैं इससे बॉडी का मसल डेवलपमेंट होता है तो प्रोटीन के जो सोर्सेस हैं ज़्यादा से ज़्यादा सोर्सेज हम लोग देखते हैं कि वो सारे सोर्सेज एनिमल से आते हैं अगर प्लांट प्रोटीन की बात करें तो ये दोनों जो अलगी है क्लोरेला एंड स्पायरुलेना इससे बहुत हाई रेट में प्रोटीन मिलता है इसीलिए जो स्पेस ट्रैवलर्स होते हैं वो ज़्यादा इनको यूज करते हैं ऐसे नॉर्मल वे में भी आजकल लोग इसको एज ए सपोर्टिव फूड ले रहे हैं नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ अलगी तो अलगी का जनरल कैरेक्टर्स हमने पढ़ा इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस पढ़ा अब आप देखेंगे कि हाउ यू हैव टू क्लासिफाई द अलगी अलगी हैज थ्री क्लासेस नंबर वन इज क्लोरोफाइसी नंबर टू इज फियोफाइसी एंड नंबर थ्री इज रोडोफाइसी नाउ दे आर कॉमनली कॉल्ड क्लोरोफाइसी एज ग्रीन अलगी फियोफाइसी एज ब्राउन अलगी एंड रोडोफाइसी एज रेड अलगी नाउ द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ क्लोरोफाइसी द कॉमन नेम इज ग्रीन अलगी स्ट्रक्चर यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर कोलोनियल फिलामेंटस। कोलोनियल मीन्स स्टूडेंट्स ये कॉलोनी में पाए जाते हैं और फिलामेंटस मतलब कि मल्टी सेलुलर होंगे और एक सेल दूसरे सेल के ऊपर अटैच होते जाएंगे तो एक फिलामेंट का फॉर्मेशन होता है पिगमेंट प्रेजेंट क्लोरोफिल ए एंड बी ग्रीन पिगमेंट डोमिनेंट प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट इसमें दो ही पिगमेंट पाए जाते हैं क्लोरोफिल ए और बी और ये दोनों ही ग्रीन कलर के होते हैं जो कि इसके क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है और ये डोमिनेंट होते हैं दूसरे पिगमेंट के अलावे शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट इसी वजह से स्टूडेंट इसको ग्रीन अलगी ही कहा जाता है शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट में हम देखेंगे कि इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन है स्टूडेंट्स बहुत तरह के शेप इसमें मिलते हैं क्लोरोप्लास्ट का जैसे डिस्कॉइड दि मतलब छोटा छोटा गोल प्लेट लाइक रेटिकुलेट रेटिकुलेट मतलब जालीनुमा कप शेप्ड स्पाइरल रिबन शेप्ड एटसेट्रा स्टोर्ड फूड ये किस तरह से फूड को स्टोर करता है अपने बॉडी में तो एक से ज्यादा पायरिनॉइड मिलता है जो कि स्टार्च का बॉडी है प्रोटीन और ऑयल ड्रॉप ड्रॉपलेट्स भी मिलते हैं एज ए स्टोर फूड सेल वॉल रिजिड वॉल इनर लेयर सेलुलोज आउटर लेयर पेक्टोज इसमें बाई लेयर वॉल पाया जाता है जिसमें इनर वाला सेलुलोज का होता है और आउटर वाला पेक्टोज का होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रैगमेंटेशन एंड स्पोर्स फ्रैगमेंटेशन तो आप पढ़ ही चुके हैं कि किस तरह से फ्रैगमेंटेशन होता है और स्पोर्स भी आप जनरल कैरेक्टर्स में पढ़ चुके हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू से होता है फ्लैजिलेटेड जूस पोर्स के थ्रू से होता है जो जूस पोरेंजियम में बनते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगेमस एन आइसोगेमस ऊगेमस यानी जो तीनों हम लोग पढ़े थे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तीन तरह के रिप्रोडक्शन किस तरह से होते हैं ये तीनों रिप्रोडक्शन इसमें मिलते हैं नाउ स्टूडेंट्स आपको मैं ग्रीन अलगी का कुछ एग्जाम्पल्स दिखा रही हूं जैसे ये वॉलबॉक्स है आप देख रहे हैं ये छोटा छोटा कॉलोनी बनाया हुआ है ठीक है ये सारे एक साथ एक म्यूसिलिजिन सीथ में बाइंड रहते हैं और इस तरह से ये एक साथ लेकिन इसमें सारे सेल अलग अलग हैं, सारे सेल अलग है लेकिन एक दूसरे से इनका इंटर कनेक्शन रहता है और पूरी तरह से एक मिसोलिजीनियस सीट में बने हुए रहते हैं इसको कोलोनियल फॉर्म कहा जाता है ये कौन सा अलगी है ये ग्रीन अलगी है जिसका नाम है वॉलवॉक्स अब इसमें देखिए आप दूसरा मेंबर आता है क्लेमाइडोमोनस लुलर फॉर्म है ये देखिए पियर शेप्ड है जिसमें सामने की तरफ इंटीरियर दो फ्लैजिला है और ये एक्वटिक होता है इसी फ्लैजिले के वजह से ये मूव कर सकता है एक जगह से दूसरे जगह में अब इसमें इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं स्टूडेंट कि इसमें ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये देखिए कप शेप्ड है तो इसमें आप आपको बताया था मैंने कि बहुत तरह के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं तो इसमें को क्लोरोप्लास्ट कप शेप्ड है बीच में न्यूक्लियस है और यहाँ पर फ्लैजिला है और यहाँ पर पाइरिनॉइड पाया जाता है जो कि इसका स्टोरेज फूड है नाउ थर्ड इज कारा कारा को आप देखिए ये एक मल्टी सेलुलर फॉर्म है बिल्कुल लीफ की तरह इसका स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग ब्रांचेस कहेंगे और एक लंबा सा एक्सिस है जिसमें ये ब्रांचेस लगे हुए हैं। ये मल्टी सेलुलर फॉर्म है यानी यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर कोलोनियल बहुत सारे फॉर्म इसका मिलता है ग्रीन अलगी का ओके okay, स्टूडेंट्स तो इसके बाद हम लोग ब्राउन अलगी एंड रे, रेड अलगी यानी फ्योफाइसी एंड रोडोफाइसी को नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इसके पहले आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे इसी तरह का फिगर बना के दो तीन बार आप इसको प्रैक्टिस करेंगे और क्लोरोफाइसी का जनरल कैरेक्टर्स जो है वो पढ़ लेंगे ओके थैंक यू स्टूडेंट्स